370 की रवानगी ने न केवल देश को एकता के सूत्र में बांधा, दुनिया तक भारत की ताकत का संदेश पहुंचाया, बल्कि सरकारी माल पर मौज करने वाले नेताओं के ऐशो आराम का सिलसिला भी बंद कर दिया। अब देखिए ना, कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा के सदस्य गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर के वीवीआईपी जोन में जो सरकारी बंगला मिला हुआ था, वो अब उन्हें छोड़ना पड़ा है। इस बंगले का किराया भी गुलाम नबी को नहीं देना पड़ता था। दरअसल जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र रहने के लिए ऐसे सरकारी बंगले मुफ्त में मिला करते थे, लेकिन जैसे ही राज्य का विशेष दर्जा छिना, इन नेताओं का ये ऐशो आराम का सिलसिला भी छिन गया। गुपकर रोड पर बने हुए जेएनके बैंक का गेस्ट हाउस गुलाम नबी को सरकारी आवास के रूप में मिला हुआ था। ये यहाँ रहते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये इन्हीं के हवाले था। अब 1 नवंबर को महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को भी गुपकर रोड पर मौजूद सरकारी बंगले खाली करने होंगे। राज्य संपत्ति विभाग ने इन मकानों में मौजूद सरकारी चीजों, मसलन फर्नीचर वगैरह की लिस्ट तैयार कर ली है। इन बंगलों के सौंदर्यकरण पर भी करोड़ों की सरकारी संपत्ति खर्च की गई थी। जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल सदस्य पेंशन एक्ट 1984 के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को ये आजीवन सुविधाएं दी जा रही थी। साल 1996 के बाद से कई बार इनमें संशोधन करके सुविधाओं व सहूलियतों को और बढ़ा दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के लागू होने की तारीख 1 नवंबर के बाद से ये सारे लाभ मिलना बंद हो जाएंगे।